भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर के मरदे ब्लॉक से है, जहां शनिवार को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संपन्न हो गया। विजयी उम्मीदवारों की घोषणा भी हो गई, लेकिन हारे उम्मीदवारों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप धरना प्रदर्शन का सिलसिला दिन भर चलता रहा। मरदा ब्लॉक से सपा प्रत्याशी एवं पूर्व प्रमुख विजय सिंह यादव ने प्रशासन पर मतगणना में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि शासन और प्रशासन की सुनियोजित साजिश द्वारा 12 फर्जी वोट डलवाने का जबरदस्ती प्रयास किया गया, जिसमें मेरे हस्तक्षेप पर 4 फर्जी लोगों को रोका गया, जिसमें खजूर गाँव से रजनी देवी की जगह राजपूत महिला को, मड़ही गाँव से अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार की जगह राजपूत महिला को, चवर ग्राम सभा से पिछड़ी जाति की सीट आरक्षित थी लेकिन उसकी जगह पर राजपूत महिला वोट डालने आई। इस प्रकार तिलाड़ी के सीट पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित थी, वहां से भी राजपूत जाति की महिला वोट डालने आई थी, लेकिन विपक्ष के हस्तक्षेप पर इन चारों को वोट नहीं डालने दिया गया। प्रशासन द्वारा कहा गया कि इन्हें जेल भेजा जाएगा, परंतु जबरदस्ती 8 फर्जी वोट डालकर बीजेपी प्रत्याशी सीता सिंह को विजयी घोषित किया गया। इतना ही नहीं, ऊपर से प्रशासन पर दबाव डालकर पकड़े गए 4 फर्जी लोगों को भी छुड़वा दिया गया। बता दें कि विजयी प्रत्याशी श्रीमती सीता सिंह को 47 मत मिले, सपा समर्थित उम्मीदवार विजय सिंह यादव को 42 मत मिले। पूर्व प्रमुख का कहना है कि हमें सुनियोजित ढंग से 5 वोटों से हराया गया, इसमें प्रशासन भी भाजपा की तरफ से एक पार्टी के रूप में अपनी भूमिका निभा रही थी। 10-12 वोट देने आ गई पूर्व में महिलाएं, उसमें चेक किया गया, पकड़ा गया। पहला खजूर गाँव, जहाँ से रजनी देवी शेड्यूल कास्ट के हैं, वहाँ कोई राजपूत औरत आई बताई भी, वो पकड़ा गया, उनको बाहर किया गया, कागज रख लिया दिया गया। फिर इसके बाद मड़ही सीता की पत्नी के जगह पर वहाँ भी जो महिला आई वो राजपूत की थी, बताई कि हम तो राजपूत के हैं और ये चुनाव जो है, हमने कहा कि ये सीट तो अनुसूचित की है, तो राजपूत कहाँ से हो जाएगी, बहुत देर तक डिस्कशन हुआ, उनको भी बाहर किया गया, कागज ले लिया गया। इसके बाद चंवर में बैकवर्ड की सीट है, वहाँ भी कोई सामान्य वर्ग की महिला आई, पूछा गया तो कही कि मैं तो राजपूत हूँ और ये सर्टिफिकेट फ़ोटो भी नहीं मिल रहा था, उसको भी वोट को लौटाया गया। उसके लौटाने के बाद जो है फिर जो है प्रमाण पत्र रख लिया गया, ये हुआ कि सब लोग रहेंगी जाएंगी जेल। इसके बाद ग्राम सभा तिलाड़ी जो पिछड़ी जाति है, वहाँ से राजभर महिला जीती है, मैं जानता हूँ, वहाँ से भी कोई सामान्य वर्ग की महिला आ गई, उसने कहा कि पूछा गया किस जात की हो, कही मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, ठाकुर कोई तरह कहे नहीं राजपूत हूँ, नाम उम सही नहीं बताई, फ़ोटो भी सही नहीं मिल रहा था। इसके बाद उसका भी बैठा दिया गया, ये हुआ कि चारों वोट नहीं पड़े गए, सर्टिफिकेट ले लिया गया और चारों बैठे रहेंगे जाएंगी जेल। ऊपर से कहीं से फ़ोन आ गया, 8 और ऐसे ही लाइन में खड़ी थी, मैं बताने के लिए शुरू में ही खड़ा था, सब 8 फर्जी वोट को डलवा गया, लिया गया दूसरे के स्थान पर दूसरे के द्वारा। जब काउंटिंग हुई है तो काउंटिंग में जो कॉलम में वोट होने चाहिए नाम के आगे, वहाँ पे जो नाम जहाँ कॉलम में वोट डालना चाहिए वहाँ कॉलम में वोट नहीं पड़े हुए थे, 6 वोट नहीं पड़े हुए थे, और इसके बाद उसको अलग कर दिया गया। फिर ऊपर में पूछा गया कि इसको क्या किया जाए, ये कॉलम में तो सही जगह पे नहीं है, तो वहाँ से पूछा गया कि ये किसका है, तो नाम बताया गया। फिर पूछा गया किस पार्टी का है, तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। पूछा गया प्रत्याशी से किस पार्टी के, बीजेपी की, बताया गया कि बीजेपी के हैं, तो पार्टी का नाम सुन करके युवा तब उसको मान लीजिए, और मान करके उसको जिता दिया गया। इस तरह से यहाँ पे काउंटिंग हुई है और इस तरह से मत हुआ है, मतदान निष्पक्ष। मेरा नाम विजय सिंह यादव है, मैं पूर्व प्रमुख भी यहाँ का रहा हूँ, गलत तरीके से हमारे वोटों को, और मेरा वोट एक डालने जब आया बाला लखंदर जो कि किसी का प्रस्तावक है, उसका वोट यह कहकर नहीं डालने दिया गया कि आपके सर्टिफिकेट स्कैन है। जब किसी प्रत्याशी का वह व्यक्ति प्रस्तावक है और कैसे पर्चा वैध हो गया, उसी सर्टिफिकेट पर उसका पर्चा वैध हो गया और वोट डालने के हुआ, तो उसको कई घंटों बैठा करके उसको फिर बाहर कर दिया। प्रमुख जी ये बताइए, क्या आप काउंटिंग से संतुष्ट नहीं हैं? कैसे संतुष्ट है, मैंने सारा कुछ तो व्याख्यान बता दिया कि ऐसे ऐसे काउंटिंग हुई है और इस तरह से वोट पड़े हैं। आगे आपका क्या कदम होगा? आगे कदम क्या होगा यह तो हम सोच करके बाद में बताएंगे, लेकिन जो स्थितियां हैं मैंने बता दिया कि
वह जिसका वोट है वो नहीं डाला, दूसरे का जगह पर दूसरे लोग आ करके वोट डाले। 12 लाइन में खड़े थे, मैं भी आ गया था, 4 को पकड़ा गया, लेकिन उस 4 पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर उस 4 पे ओरिजिनल वोट बुलवा करके शाम को डलवा दिया गया, सर्टिफिकेट दे दिया गया। पहले तो कहा गया कि हम लोग इसको बंद, इनको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से वोट डलवाया गया और इसी प्रकार से काउंटिंग की गई। काउंटिंग के दौरान कितना वोट टोटल कितने का अंतर हुआ है? अंतर ये लोग बताए हैं कि 5 वोट का अंतर है, 42 और 47 है। समाजवादी पार्टी से अधिकृत थे आप? हाँ, हम समाजवादी पार्टी से अधिकृत थे। वहाँ तो पूछा गया फोन पर कि ये जो है 6 वोट जो है कॉलम में नहीं है, तो पूछा गया ऊपर से कि किस पार्टी के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये पूछा गया। आप तो ये हुआ कि उसको मान लिया जाए। हमने कहा पार्टी पूछ करके क्यों, हमने ये प्रश्न वहाँ खड़ा किया कि आप पार्टी पूछ करके क्यों इस तरह से कि फलाने पार्टी के हैं तो सही कॉलम में नहीं है। एक वोट मेरा भी गलत कॉलम में था, पहले निरस्त में रख ही दिया गया, लेकिन जब उनका ज़्यादा वोट हो गया निरस्त वाला तो पूछ लिया।